वेलकम बैक गाइस। ये जो चीज़ आप मेरे हाथ में देख रहे हो ना, इसको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड कहते हैं। और इसको लेकर ना जाने कितने ढेरों डाउट्स होते हैं गाइस लोगों को। उनमें से जो सबसे खतरनाक वाला डाउट है वो जानते हैं क्या है, कि क्या यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट हम लोग दिन के किसी भी समय कर सकते हैं। खतरनाक पता है क्यों बोल रहा हूँ आपको? क्योंकि बाई चांस मेरा हर बार यही आंसर रहता है कि हाँ, आप 24 आवर्स में कभी भी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हो। और ये सुनते ही पता नहीं पेशेंट को क्या लगता है कि उन्होंने क्या सुन लिया। ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं उनको यही लगता है कि जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है वो सुबह खाली पेट करना होता है, अर्ली मॉर्निंग करना होता है। तो पेशेंट को यही लगता है कि शायद सर को कुछ पता ही नहीं है, सर को बिल्कुल नहीं पता कि अर्ली मॉर्निंग ही यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। अच्छा, कई जो पेशेंट है वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल में नहीं कर पाते हैं और पूछ लेते हैं कि सर, हम लोग दिन के समय कर लेते हैं लेकिन क्या टेस्ट रिजल्ट जो है वो सही मिलेगा, उसकी एक्यूरेसी पर किसी प्रकार का इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा? फिर मेरा आंसर होता है कि नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब ऐसी कंडीशन में जो नॉर्मल पेशेंट है वो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं, अब जो टेस्ट रिजल्ट आता है ना, उस पर उनको और समस्याएँ हो जाती हैं। अब होता ये है कि अगर टेस्ट नेगेटिव आता है तो पेशेंट को ये लगता है कि शायद दिन के समय किया है इसलिए टेस्ट रिजल्ट जो है नेगेटिव आया है, तो हमें शायद दोबारा से यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट सुबह खाली पेट करना होगा कमिंग मॉर्निंग। अच्छा, अगर पॉजिटिव आता है तो पेशेंट को लगता है कि जो हमने खाया है पिया है उसके कारण टेस्ट रिजल्ट जो है पॉजिटिव आया है, तो हमें दोबारा से नेक्स्ट मॉर्निंग यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। तो ऐसे ही डाउट्स आपके भी होंगे, तो इन सभी डाउट्स को हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए, इन शॉर्ट में अगर आपको इसका आंसर दूं ना, तो आप 24 आवर्स में कभी भी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये बात किसी सामने वाले पर्सन को बोलोगे ना, तो उसको ये बात जमेगी नहीं, उसको डाइजेस्ट नहीं होगी, उसको विश्वास नहीं होगा। और अगर बाय चांस आपने ये बात ये कहकर बोल दी ना कि आपने ये सभी बातें यूट्यूब चैनल पर देखी हैं, फिर तो समझो हो गया आपका कल्याण। फिर तो जो थोड़ा बहुत भी विश्वास करना होगा ना, वो बिल्कुल नहीं करेगा। अब इस वीडियो में जो पूरी साइंस है ना इसके पीछे की, वो मैं आपको समझाऊंगा। और जब आप किसी को एक्सप्लेन करोगे या आप खुद जाना चाहते हो ना, तो आपको समझ आएगा कि जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल सच हैं और उन पर आपको विश्वास भी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला तो यही है कि जो ये टेस्ट कार्ड है ना, इस टेस्ट कार्ड का काम बीटा एसीजी हार्मोन को डिटेक्ट करना होता है। ठीक है, अब जो आगे की साइंस में आपको समझा रहा हूँ ना, तो प्लीज़ उसको ना बिना स्किप किए देखना और वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर एक बार भी स्किप करी तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। देखिए, पिछली वीडियोस में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हर पीरियड साइकिल में जो महिला की बच्चेदानी होती है ना, उसके अंदर की जो इनर मोस्ट लेयर है एंडोमेट्रियम, वो हर पीरियड साइकिल में बनती है और टूटती है। बनती इसलिए है ताकि अगर महिला प्रेग्नेंट होती है तो जो बच्चा बनता है वो इस एंडोमेट्रियम लाइन के साथ अटैच होता है, चिपकता है, फिर ये इम्प्लांट होता है। और टूटती इसलिए है कि अगर महिला प्रेग्नेंट नहीं होती तो जो ये लाइन बनी है ये टूटकर शरीर से बाहर निकलती है ब्लीडिंग के रूप में, जिसे आप पीरियड साइकिल कहते हो, पीरियड की ब्लीडिंग कहते हो, और फिर महिला का एक नया पीरियड साइकिल स्टार्ट होता है। अब ये जो लाइन बन रही है और जो ये टूट रही है, ये फीमेल्स हार्मोन के कारण होता है। ये हार्मोन्स जब इंक्रीज होती हैं तो ये लाइन बनती है, और जब ये हार्मोन्स डिक्रीज हो जाते हैं तो ये लाइन टूट जाती है। नाउ लिसन अप, ध्यान से सुनना जो मैं आपको समझा रहा हूँ। जब महिला प्रेग्नेंट होती है ना, तब बच्चा इस एंडोमेट्रियम लाइन के साथ अटैच होता है। अब ऐसे में अगर ये एंडोमेट्रियम लाइन ही टूटकर शरीर से बाहर निकल जाएगी तो बच्चा भी बाहर निकल जाएगा। तो ऐसा ना हो तो बच्चा क्या करता है, एक स्पेशल टाइप के सेल्स का निर्माण करता है। इन सेल्स को स्पेसिफिक बोलें तो सिंचियोट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ये सेल शरीर को एक सिग्नल देते हैं हार्मोन के रूप में, मतलब ये सेल एक हार्मोन का निर्माण करते हैं जिन्हें बीटा एससीजी हार्मोन कहते हैं। ये वही हार्मोन है जो कि ये टेस्ट कार्ड पता लगाने में काम करता है। मतलब
इस टेस्ट कार्ड से पता लग जाता है कि जो बच्चा है वो यूट्रस में जाके प्रॉपरली इम्प्लांट हो गया है, ठीक है। अब जो ये बीटा एससीजी हार्मोन है, ये फीमेल बॉडी को बताता है कि जो बच्चा है वो प्रॉपरली इम्प्लांट हो गया है, जिससे होता ये है कि जो फीमेल हार्मोन डिक्रीज होने थे वो डिक्रीज नहीं होते, वो इंक्रीज ही रहते हैं। और जब इंक्रीज रहेंगे तो एंडोमेट्रियल लाइन टूटती नहीं है और पीरियड्स नहीं आते और जो प्रेगनेंसी है वो रुक जाती है। अब ये जो बीटा एससीजी हार्मोन है ना गाइज, ये हर 36 से 72 घंटे में डबल हो जाती है इसकी वैल्यूज, इतनी ये रैपिडली इंक्रीज होते हैं। मतलब जो शिंचियोट्रोफोब्लास्ट है, जो सेल्स हैं, वो रैपिडली ही ग्रोज होते हैं और जैसे जैसे वो ग्रो होंगे वैसे वैसे जो बीटा एसीजी की वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगी। तो मोटा मोटा ये हिसाब किताब है कि अगर बीटा एसीजी की वैल्यूज इंक्रीज है तो प्रेगनेंसी रुकी हुई है, और अगर ये बीटा एसीजी की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो प्रेगनेंसी रुकेगी नहीं, जो एंडोमेट्रियल लाइन है वो टूट जाएगी और ब्लीडिंग से वो बाहर निकल जाएगी। सो ऐसे में आप खुद बताओ, आपका ये मानना कि सुबह खाली पेट ही यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, सुबह के टाइम ही बीटा एसीजी की वैल्यूज इंक्रीज रहती है और अदर टाइम में वो डिक्रीज हो जाती है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? फिर तो महिला को पीरियड्स आ जाएंगे, प्रेगनेंसी रुकेगी नहीं, वो शरीर से बाहर ही निकल जाएगी, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और आपका ये सोचना कि सुबह खाली पेट टेस्ट करेंगे तो हमें सही रिजल्ट मिलेगा, ये बिल्कुल सही नहीं है। जो बीटा एसीजी की वैल्यू है ना, वो शुरुआती टाइम में 36 से 72 घंटे में डबल हो जाती है, इतनी ये रैपिडली इंक्रीज होता है, समझ रहे हो आप इस बात को? तो आप कभी भी 24 आवर्स में यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के और सही रिजल्ट मिलेगा आपको। अब आपको ये सुनकर समझकर तो गुस्सा आ रहा होगा कि फिर आपको सुबह खाली पेट यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए किसने एडवाइस किया और क्यों किया? वेल, देखिए, सुबह यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करने की जो एडवाइस दी जाती है ना, उसके पीछे एक ट्रिक है, एक साइंस है। साइंस ये है कि जब फीमेल रात को खाना खाती है और फिर रात के बाद जब अगला समय आता है, मतलब सुबह का जो टाइम है जब वो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, जब उसको एडवाइस की जाती है, तो जो रात से सुबह तक का टाइम है ना, ये 4 से 6 घंटे तक का तो मिनिमम होता ही है। और इस बीच जो फीमेल है वो ना तो कुछ खाती है ना ही पीती है और यूरिन को भी होल्ड करके रखती है। तो इससे होता ये है कि जो यूरिन है, जो पेशाब है, उसमें बीटा एसीजी की जो कंसंट्रेशन वैल्यू है ना, वो इंक्रीज हो जाती है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो बीटा एसीजी की वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होती है और फिर ये धीरे धीरे इंक्रीज होती है, ठीक है। तो अगर प्रेगनेंसी कम दिनों की है तो बीटा एसीजी की वैल्यू, जो उसका लेवल है, वो भी कम होगा, है ना। तो अगर कोई महिला 4 से 6 घंटे तक खाली पेट रहती है और यूरिन को होल्ड करके रखती है तो बीटा एसीजी का पता लगना थोड़ा आसान हो जाता है, समझ रहे हो आप इस बात को? तो फिर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई फीमेल रात को सोती है और 1 बजे 2 बजे 3 बजे अगर उसने यूरिन पास किया तो भी आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा, और इस बीच अगर रात में पानी पिया, खाना खाया तो भी सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऐसे ही अगर आपको दिन के समय करना है तो 4 से 6 घंटे तक खाली पेट रहना पड़ेगा और यूरिन को होल्ड करके रखना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि जो प्रेगनेंसी है अगर 6 वीक से ज़्यादा की है तो 6 वीक तक ना बीटा एसीजी का लेवल इतना हो जाता है कि आप 24 आवर्स कभी भी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हो। सो जिन पेशेंट को मैं बोलता हूँ ना कि आप 24 आवर्स में कभी भी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हो, तो उनका जो प्रेगनेंसी टाइम पीरियड है वो ऑलरेडी 6 वीक से ज़्यादा का होता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रही होगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी जरूर रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा ताकि लोगों को भी इन सभी बातों के बारे में अच्छे से पता लग सके। तो गाइज मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।